ये क्या, सुबह से ही शुरू हो गए? मैंने पी नहीं है, तो बेकार में चिल्ला मत। मुझे उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती। बाप घर में और बेटा बाहर, दोनों किसी से कम नहीं। अरे तू जा ना वहाँ, क्या मुसीबत है। बाबा। क्या? वो बाहर आपका फोन आया है। हेलो, आकर फोन रिसीव करने तक सब्र नहीं कर सकते तो? साले बेवड़े लोग। घर में आने का तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है क्या नालायक? क्या माँ, कहाँ इतना टाइम हुआ है, अभी तो सिर्फ 8 बजे है। शुक्र है 6 बजे है, ऐसा नहीं कहा। दुनिया में सभी घड़ियों में 11 बजे हुए हैं और इसकी घड़ी में अभी तक सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। क्या माँ ऐसा बोल रही है जैसे तूने मुझे घड़ी दिला कर रखी है? मैंने जो घड़ी दिलवाई थी वो घड़ी तूने 3 ही दिनों में मारवाड़ी को भेज दी, भूल गया क्या तू? तू है तुझ पर। बड़ी मुश्किल से हम होटल चला रहे हैं, जो भी पैसे कमाते हैं तेरी फटीचर गाड़ी की रिपेयर में चले जाते हैं। शौक तो नवाब हो जैसे है। ठीक है ठीक है, आप छोड़ना माँ, पुरानी बातें क्यों निकाल रही है? खाने को कुछ देगी या नहीं? एही, जो भी बचा है जाकर खा ले, तेरा बाप सो रहा है। घर में जवान लड़का कुआरा बैठा है, इसकी फिक्र ही नहीं है साले को। साला चोर कहीं का, 3-3 दिनों में पेश कहाँ गायब हो रहा सोच के परेशान होता था, साला आज चोर पकड़ा गया। अब नहीं छोड़ूंगा इसे। ये जग्गो बाहर निकल साले। व्हाट मैन, रोज लगा लगा कर घसने के लिए तेरे बाप की जायदाद है क्या? तेरा मेरा क्या है मैन, सब ऊपर वाले का है, सब उसकी माया है। साला एक दूंगा ना, क्या हुआ? ठिकाने आ जाएगी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आओ आओ भारत माता आओ, तूने ऐसे नालायक बेटे को क्या सोच कर जन्म दिया? देखो यहाँ का कोई भी घर इसने छोड़ा है क्या? सब ऊपर वाले का कहकर कुछ न कुछ चुराते रहता है। वहाँ तो मेरा ड्रम रखा है ड्रम, और पेस्ट भी खा जाता है मेरा कुत्ता कहीं का। पेस्ट क्या, किसने चुरा लिया पेस्ट? कोई सोना है क्या जो ये चुरा लेगा? अरे जा, बेचारे ने 2 दिन से दांत नहीं घसे, इसने थोड़ा सा पेस्ट क्या निकाल लिया। बच्चा है ये, समझेगा क्या? जाओ। ए भगवान, ये बच्चा है, बेटे को सुधारने के बजाय और बिगाड़ने पे तुली है। तू कैसी माँ है, तुम दोनों का कभी उधार नहीं हुआ। हाथ अपने पास घिसने के लिए कुछ नहीं है क्या? ए, इतना बड़ा हो गया तू सुधरेगा नहीं कभी, नहीं सुधरेगा, जान चलाता है, घर से चुराता है, अपने पास नहीं है क्या? और क्या क्या, ये नहाने के लिए डब सोप है, शैम्पू है, शॉवर बाथ है, अपने यहाँ 2 ही चीज है, पत्थर का ब्रश और ईंट का साबुन बात करती है। घर में काम करने वाली के पास और क्या होगा? हाँ, बड़े लाड साहब नवाबों की तरह बात कर रहे हैं। कहीं मेहनत मजदूरी करके घर में सामान लाकर अपनी माँ की हाथ बटाएगा, ये तो नौला है कहीं का मेरा दिल जला। समझ तो बहुत है माँ, लेकिन किस्मत खराब है, क्या करूँ बता। इस बेचारे जग्गू को तूने इस झोपड़पट्टी में पैदा किया, तेरे में जरा सी अकल वकल है कि नहीं? यहाँ अब देख क्या क्या झेलना पड़ रहा है, सुबह सुबह इस बूढ़ी का लेक्चर सुनना पड़ता है। हा? तूने बहुत बड़ा बाथरूम बना रखा है ना रेलवे ट्रैक के पास, वहीं पे जाकर नहा कर आता हूँ, चलता हूँ रेलवे ट्रैक। थोड़ी देर बाद मैं काम करने चली जाऊंगी। जाता है बाहर, खाना बना के जाती हूँ। ओके मदर इंडिया, खाना खा लेना तू। हाँ आ जाऊंगा। लक्ष्मी तैयार हुआ क्या? हाँ हाँ अभी आई, बस हो गया हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है। ए बंदरिया, चल बाजू हट, 2400 घंटे आईने के सामने खड़ी रहती है, आईने से ही शादी कर लेना। तुम्हें इससे क्या? एक दूंगा ना। दोनों को क्या होता है जब देखो झगड़ते रहते हैं, मैं अपना काम करूँ या तुम लोगों को समझाती रहूँ? ओ जी नाश्ता रेडी हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया करते रहते हैं, नौजवानों की तरह तैयार होते रहते हैं। आहा डोसा, आहा क्या मजेदार है। ए समझ में नहीं आता, इन्हें देर हो रही है ना, ठंडा होने के लिए यहाँ रखा और तू शुरू हो गया। मांगता तो मैं दूसरा ला देती ना। नहीं खाने दो, साहब को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, सुबह से लेकर शाम तक हर गली नुक्कड़ पर घूमना जो है इसे। मुझे पैदा करने के लिए मैंने आपसे कहा था। ए वो बात नहीं है। तू चुप बैठ माँ, सभी घरों में बच्चों को बढ़ावा देते हैं लेकिन यहाँ नीचा दिखाते हैं। सिर्फ कमाने वालों को खाने की इजाजत होती तो इस दुनिया में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। ये लीजिए खाइए। अरे राजा,